हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से नया वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ टॉप 10 न्यू ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। और हमारी ट्रिक नंबर 1 को करने के लिए आपको आना है यहाँ पर इस वाले नए वाले मैप में। तो नेक्स्ट एरा मैप में आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको सिंपली पहले लॉन्च पैड को यूज करना है, फिर आपको इस तरह से इसको सेट करके यहाँ पर जो है सिंपली इसको लॉन्च कर देना है। फिर आप इस वाले पोस्टर के ऊपर आ जाओगे और इस वाले पोस्टर के ऊपर आने के बाद आप जो है इजिली यहाँ पर किसी भी एनिमी को किल कर पाओगे। आपको हर साइड का अच्छे से व्यू दिखने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे एनिमीज आए भी थे, मैंने बहुत सारे एनिमीज को यहाँ पर इजिली किल भी किया था। तो आप चाहते हो यहाँ पर इजिली कैंप भी कर सकते हो, चाहते हो यहाँ से इजिली किसी भी एनिमी को भी किल कर सकते हो। ये वैसे यहाँ पर बहुत सारे एनिमीज आते हैं तो उनको यहाँ पर किल भी कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर कैंप वगैरह करना है फिर आप सेंटर में यहाँ पर जो है प्रोन कर सकते हो, इसे पूरा का पूरा यहाँ पर अच्छे से हाइड हो जाओगे। और आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि कितने ज्यादा एनिमीज यहाँ पर आए थे और मैंने सबको यहाँ पर इजिली किल कर दिया, मुझे कोई भी किल नहीं कर पाया। बाकी नीचे जंप करने पर आपको कितना डैमेज पड़ने वाला है वो आप ध्यान से यहाँ पर देख ही सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है बर्मुडा मैप में। यहाँ पर आपको आना है मार्स इलेक्ट्रिक में इस वाले टावर के पास। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लॉन्च पैड को जो है पहले सेट करना है, फिर आपको इस तरह को यूज करके अच्छे से इसका एम जो है सेट करना है, फिर यहाँ पर सिंपली लॉन्च कर देना है। इसके बाद आप आ जाओगे पूरा इस टावर के ऊपर और ये वाला टावर जो है बहुत ही ज्यादा ऊपर रहता है तो यहाँ पर कोई भी नहीं देख पाएगा, कोई भी किल नहीं कर पाएगा। तो आप चाहे तो ऊपर बैठकर यहाँ पर इजिली अपने रैंक को पुश कर सकते हो, यहाँ पर सर्वाइव भी कर सकते हो। बाकी पूरा मार्स इलेक्ट्रिक आपको जो है यहाँ से दिखने वाला है, तो किसी भी साइड में जाकर यहाँ पर किसी भी एनिमी को इजिली यहाँ पर किल भी कर सकते हो। बाकी नीचे थोड़ा सा ध्यान से उतरना क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। सो चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको चाहे पानी की गाड़ी, इसको लेकर आपको आना है पानी में। तो यहाँ पर पहले फ्रेंड को बोला है वो यहाँ पर गाड़ी को इस तरह से ड्राइव करे, फिर आपको गाड़ी के पीछे इस तरह से बैठ जाना है। फिर आपका फ्रेंड जैसे आपकी ऊपर यहाँ पर अपनी गाड़ी को लाएगा, आप घुस जाओगे पूरा इस तरह से गाड़ी के नीचे। और यहाँ पर देखो मैंने आलो को भी यूज किया था और हमारा आलो कितना ज्यादा यहाँ पर मस्त दिख रहा है पानी में। बाकी आप जो है फिर अच्छे से यहाँ पर पूरा पानी के नीचे का भी देख पाओगे, आपको जो है ऊपर से कोई भी यहाँ पर नहीं देख पाएगा, कोई भी किल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इस वाली ट्रिक को भी इजिली यूज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है पर्गेटिव मैप में। यहाँ पर आप ध्यान से लोकेशन देख सकते हो कहाँ पर मैं आया हूँ। तो इस वाले हाउस के पास पहले आपको आना है, फिर यहाँ पर आपको जो है एक वाला ग्लोवाल यहाँ पर सेट करना है। आप ध्यान से देख सकते हो कैसे मैंने यहाँ पर ग्लोवाल को सेट किया है। तो ग्लोवाल को सेट करने के बाद आपको चढ़ना है इसके ऊपर, फिर आपको यहाँ से जंप करके इस वाले हाउस के ऊपर चले जाना है। और इस वाले हाउस के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको प्रोन करना है। पहले आपको बाहर की साइड ही प्रोन करना है, अंदर आप प्रोन नहीं कर पाओगे। तो बाहर प्रोन करके फिर आप इजी जो है इस तरह से अंदर जा सकते हो और यहाँ पर अच्छे से हाइड हो सकते हो। फिर आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, कोई भी किल नहीं कर पाएगा, तो इजिली यहाँ पर रैंक को पुश कर सकते हो। बाकी यहाँ से अभी आप जो है इजिली किसी भी एनिमी को किल कर सकते हो, हर साइड का आपको व्यू दिखने वाला है। और आप जो है इजिली यहाँ पर कवर फाइट भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये डब्बे वगैरह होते हैं, तो इनका आप इजिली यहाँ पर कवर वगैरह ले सकते हो और यहाँ पर इजिली एनिमी को किल कर सकते हो। सो अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको चाहे मॉन्स्टर ट्रक, तो इसको आपको लेकर आना है कहीं पर भी। और आपको चाहे यहाँ पर सामान एयर ड्रॉप, तो पहले यहाँ पर गाड़ी को इस तरह से रखना है कहीं पर भी, फिर यहाँ पर आपको जो एकदम पीछे की साइड में अपने ड्रॉप को यूज करना है। तो ड्रॉप फेंक दिया, इसके बाद यहाँ पर वेट करना है थोड़ा सा, फिर आपको जैसे लगे ड्रॉप आने वाला होगा आपको जो है तुरंत से यहाँ पर गाड़ी में ड्राइव कर लेना है। इसके बाद आपको बस यहाँ पर वेट करना है अपने ड्रॉप के आने का। तो जैसे आपको ड्रॉप आ जाएगा यहाँ पर आपका ये वाला ट्रिक हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ड्रॉप जैसे आपके ऊपर गिरेगा आपकी गाड़ी जो है बहुत ही ज्यादा ऊपर उड़ने वाली है, बट आपको जो ड्रॉप है पीछे ही गिरना चाहिए। अगर आपकी साइड गिरा मतलब आगे की साइड गिरा फिर आप किल हो सकते हो। बाकी अगर आपका ड्रॉप अच्छे से गिरा तो आपकी गाड़ी जो है पूरा यहाँ पर स्पाइडरमैन की तरह यहाँ पर हवा में उड़ जाएगी। सो चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है कहीं पर भी। यहाँ पर आपको पता है कि बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पर कुछ चीज जो है खुद ही पिन हो जाता है। तो यहाँ पर देखो सामने पर कोई अटैचमेंट है जो कि खुद ही यहाँ पर पिन हो चुका होगा। ये आपने भी देखा होगा कि बहुत बार खुद ही कुछ पिन यहाँ पर हो जाता है और हमें वो दिखाता है कितनी दूर है। तो यहाँ पर देखो अभी हमें अच्छे से दिख रहा है, मतलब 406 मीटर अच्छे से दिखा रहा है, ये दूर है। बट अगर आप इसी वाले चीज को देखोगे स्कोप इन करके, आपको जो पिन वाला चीज होता है ये टोटली यहाँ पर गायब हो जाता है। जैसे आप स्कोप इन करोगे आपको बिल्कुल भी ये नहीं दिखेगा, और जैसे स्कोप आउट करोगे आपका ये जो पिन वाला आइटम होता है ये अच्छे से दिखने लगता है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको चाहे यहाँ पर लैम्बर्गिनी कार, सॉरी यहाँ पर मैकलोन कार,
तो इसको लेकर आपको ना क्लॉक टावर में अपर गार्ड को इस तरह से सेट करना है, फिर अपर गार्ड में एंटर करके गेट आउट कर देना है। फिर आप घुस जाओगे पूरा इस तरह से क्लॉक टावर के नीचे और फिर आप अच्छे से यहाँ पर जाए कैंप वगैरह कर सकते हो। बाकी इतना ही आगे आपको जाना है, अगर आपने थोड़ा सा आगे ट्राई किया ना नीचे जाने का या थोड़ा सा आगे जाने का, फिर आप जो है पूरा यहाँ पर टिकट कट लोगे ऊपर का और आप यहाँ पर किल हो जाओगे। बाकी अगर आप यहाँ पर बैठ गए फिर आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, कोई भी किल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आप जो है रैंक को पुश कर सकते हो। और यहाँ पर से आपको जो है पूरा यहाँ पर अच्छे से क्लॉक टावर का व्यू दिखने वाला है, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी सभी घर के आर पार भी यहाँ पर आपको अच्छे से दिखने वाला, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की, और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है पहले लॉबी में, फिर आपको जाना है इस कॉनवॉय क्रंच वाले मोड में। तो इस वाले मोड में आ गए, इसके बाद आपको क्या करें, सबसे पहले आपको किल हो जाना है। तो यहाँ पर आप चाहो तो जून से बाहर किल हो जाओ, एनिमी से किल हो जाओ, या यहाँ पर लैंडमैन का सेट करके आप जो है इस तरीके से भी किल हो सकते हो। सो किल होने के बाद जैसे आपको यहाँ पर एक गन वाला सेक्शन आ जाए, आपको नेट को ऑफ करके यहाँ पर जो है सिंपली ओके पे टैप कर देना है। इसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पर सेटिंग में, फिर आपको जाना है कंट्रोल्स में, और यहाँ पर होगा रन मोड का ऑप्शन, इसको आपको या तो ड्रैग या तो मिक्सड कर देना है। सो ये वाला ट्रिक करने के बाद बस आपको यहाँ पर जो है एक बार अपनी जॉस्ट को टच कर लेना है, आपका जो कैरेक्टर है पूरा का पूरा यहाँ पर इनविजिबल हो जाएगा, पूरा यहाँ पर मतलब थोड़ा सा भी नहीं दिखने वाला है। और अगर आपके हाथ में यहाँ पर ग्लोवा लैंडमैन या ग्रेनेड कुछ ऐसा होगा वो आपको अच्छे से दिखने वाला है, मतलब वो तो आपको अच्छे से दिखेगा कि आपके हाथ में, बाकी आपका जो कैरेक्टर है थोड़ा सा भी नहीं दिखने वाला, आपका जो कैरेक्टर है पूरा का पूरा यहाँ पर इनविजिबल हो जाएगा। सो ये वाली ट्रिक को यूज करके आप जो है फ्रेंड को भी इजिली सरप्राइज कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की, और हमारे नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है किसी भी मैप में जिसमें कि शॉप गिरते हो। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने एक शॉप जो है गिर चुका है, ड्रॉप वाला शॉप यहाँ पर गिर चुका है। तो पहले देख लो अच्छे से, अभी यह हमें अच्छे से दिख रहा है, बट जैसे हम थोड़ा सा ओवर दूर जाएंगे इसके बाद क्या होगा वो ध्यान से देख लेना। सो अब देखो हमारा जो शॉप है टोटली यहाँ पर गायब हो चुका है, टोटली इनविजिबल हो चुका है, उसकी जो लाइट वगैरह होती है वो हमें अच्छे से दिख रही है पिंक वाली लाइट, बट हमारा जो शॉप है टोटली यहाँ पर गायब हो रहा है, टोटली यहाँ पर इनविजिबल हो रहा है। और अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे देखो अभी शॉप अच्छे से दिख रहा है, बट जैसे हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे हमारा जो यहाँ पर शॉप होता है वो टोटली गायब हो जाता है, और बस उसकी यहाँ पर लाइट दिखती है, जो लाइट इसकी होती है वो बहुत ही ज्यादा फिर दिखती है बढ़िया, मतलब वो जब शॉप वहाँ पर नहीं रहता है। सो चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की, और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको जाना है कॉइन क्लैश वाले मोड में। तो इस वाले मोड में आने के बाद आपको जो केप टाउन होता है वो पूरा का पूरा जोन के बाहर रहना चाहिए, तभी आपका ये वाला ट्रिक वर्क करने वाला है। तो जैसे आपका ये जगह यहाँ पर जोन के बाहर आ जाए, फिर आपको यहाँ पर आना है इस वाले हाउस के पास, यहाँ पर आपको जॉस्ट को पकड़ के यहाँ पर गेम को जो है बस एक सेकंड के लिए मिनिमाइज कर देना है। फिर आप जैसे ही गेम को वापस खोलोगे आप घुस जाओगे पूरा जमीन के नीचे, वैसे यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा लेट भी करोगे डाटा ऑफ करने का आपको कुछ भी नहीं होने वाला, बट यहाँ पर हमारा जो जोन होता है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेट को ऑफ कर दिया है। बाकी फिर आप आ जाओगे पूरा इस तरह से जमीन के नीचे पानी में, यहाँ पर ये जो है बहुत ही ज्यादा ये वाला व्यू बढ़िया दिखता है। तो यही तक था हमारा आज का ये वाला वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।